हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। आप सभी को स्टडी साइक्लोन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सीरीज चल रहा था उसका ये पार्ट टू है। तो देखो, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और ओमनीशियंट, ये तीन वर्ड हैं जो तीनों के तीनों शुरू होते हैं कहाँ से? ओमनी से। ठीक है, ओमनी का मतलब होता है ऑल, सभी। ठीक है, मतलब एक चीज, ये जो तीनों वर्ड हैं, ये तीनों वर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये तीनों वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं भगवान के लिए। मतलब देखो, पहला वाला जो वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, इसका मतलब, ओमनी मतलब मैंने बताया ऑल, तो ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह पे प्रेजेंट हो। ठीक है, भगवान कहते हैं ना कि भगवान हर जगह पे है, कण कण में भगवान है। ओके, नेचर के हर चीज़ पे भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है। तो ओमनी प्रेजेंट हम किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब है एक वो हो जो हर जगह पे प्रेजेंट हो, मतलब वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट की तरह एक वर्ड और भी बहुत खूबसूरत वर्ड है, उसको कहते हैं यूबीक्यूटियस। ठीक है, यूबीक्यूटियस, इसका मतलब भी हर जगह पे जो प्रेजेंट हो। अगर हम कहें कि यूबीक्यूटियस कौन है, उसका एग्जाम्पल भगवान के अलावा, तो हम कह सकते हैं हवा, एयर, है कि नहीं? एयर हर जगह पे प्रेजेंट हो। उसके बाद आता है ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है, उसको कहा जाता है ओमनी पोटेंट। तो भगवान ही तो हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल। फिर एक है ओमनीशियंट। ओमनीशियंट का मतलब होता है जिसको हर चीज़ पता हो। ठीक है, ओमनीशियंट मतलब वन हु नोच एवरीथिंग, जिसको हर चीज़ पता होता है उसको कहा जाता है ओमनीशियंट। उसके बाद है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब ऐसा इंसान जो क्या करता है, हमेशा किसी भी घटना हो, किसी भी चीज़ हो, जो उसका हमेशा से पॉजिटिव एंगल देखता है, मतलब वो उसका ब्राइट साइड ही देखता है, उसको नेगेटिविटी नहीं देखता। जैसे मान लो कोई भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमेशा कुछ भी हो जाए हर चीज़ में पॉजिटिव को ढूंढते हैं, उन तरह के लोगों को कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है उस तरह के लोगों को। इसका जो उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा से उसका डार्क साइड या फिर नेगेटिव चीज़ों को देखता है। ओके, तो उनको कहा जाता है पेसिमिस्ट। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, दो वर्ड, एक होता है ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा से पॉजिटिविटी को देखते हैं, और दूसरा होता है पेसिमिस्ट जो हमेशा से नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद है वर्ड जो है मिशांथ्रोप। देखो, अगर तुम्हें कहीं पे भी मिस, कहीं किसी भी वर्ड अगर मिस से शुरू होता है, ध्यान देना, किसी भी वर्ड अगर तुम्हें मिस से शुरू होना दिखाई दे, तो इसका मतलब समझ लेना क्या हो रहा है, कि ये कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अगर हम मिसमैनेजमेंट कहें तो उसका उल्टा हो जाता है कि नहीं? नेगेटिव चीज़ दिखाता है। तो उसी तरह से अगर आपको एग्ज़ाम में मिस से शुरू होने वाला कोई वर्ड मिल जाए, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है क्या कहीं पे कोई एक नेगेटिव वर्ड है, अगर आपको मिल जाए तो ये इसका ट्रिक है मिस। तो देखो, मिस जो मिस एंथ्रोप है, एंथ्रोप जो वर्ड है, एंथ्रो, ये चीज़ को ध्यान देना, एंथ्रो, एंथ्रो मतलब होता है मानवता। ठीक है, एंथ्रो मतलब हम किसके लिए, एंथ्रो जो वर्ड है इसका मतलब होता है मानवता, ह्यूमन के बारे में। तो इसीलिए जो मानवता की स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन, उसको कहा जाता है क्या? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रो वर्ड से अगर आपको मतलब बताएगा तो आप निकाल सकते हैं आराम से, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानवता की स्टडी को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। उसी तरह से जो इसकी स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, तो मिस एंथ्रोप मतलब, देखो मिस मतलब उल्टा आएगा, तो मिस एंथ्रोप मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा से क्या करता है, मैनकाइंड को, इंसानियत को क्या करता है, वो नफरत करता है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसको क्या कहा जाएगा? मिस एंथ्रोप। ठीक है, उस तरह से मिजोगेमिस्ट। देखो, गेमी का मतलब, एक चीज़ ध्यान रखना, गेमी का मतलब होता है शादी। ठीक है, गेमी अगर तुम्हें कहीं पे भी मिल जाए तो समझ लेना ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? मैरिज से रिलेटेड है। ओके, तो मीजोगेमिस्ट मतलब, मीजो तो मतलब उल्टा, मतलब वो इंसान जो क्या करता है, शादी से नफरत करता है, उसके लिए शादी एक बहुत बड़ी पाप है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, किससे? हेट करता है शादी से। तो मीसोगेमिस्ट हम उसको कहेंगे जो शादी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया कि गेमी का मतलब हमेशा से याद रखना, वो मैरिज बोलता है, मैरिज के बारे में। और एक चीज़ देखो, दो चीज़ मैंने बताया, सॉरी एक बताया कि गेमी, कन्फ्यूज मत होना, गेमी मतलब किस किससे रिलेटेड है? गेमी है सर हमारा
किसे? मैरिज से, ठीक है, मैरिज। वहीं पे अगर आपको कहीं पे गाइनी वर्ड मिल गए, GYNY, हाँ गाइनी, तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड होता है? वोमेन से रिलेटेड, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड। मतलब गाइनी मतलब वोमेन, गेमी मतलब क्या हो गया, मैरिज शादी, गाइनी मतलब वोमेन। तो देखो, तो मिज़ोगेमिस्ट हम उसको कहेंगे जो शादी से नफरत करता है, मिज़ोगाइनिस्ट उसको कहेंगे जो क्या करता है, देखो यहाँ पे जो मैंने बताया कि वोमेन से नफरत करता है, जिनको महिलाओं से, लड़कियों से नफरत हो उसको कहा जाता है मिज़ोगाइनिस्ट, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। मिज़ोगेमी मतलब शादी, गायनी मतलब वोमेन। और इसीलिए ना जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो महिलाओं के डॉक्टर होते हैं या फिर महिलाओं के रोगों से गायनेकोलॉजिस्ट जो काफ़ी ज़्यादा पता होता है उनको, महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स है उनके डिजीज से लेके, मतलब उनके बारे में डॉक्टर को कहा जाता है गायनेकोलॉजिस्ट। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो मैंने क्या बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, मैंने बताया कि गेमी का मतलब होता है शादी, ठीक है, आपको बताया कि पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे मैथ में कि पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन किसको कहते हैं, तो पॉलीगन उसको कहा जाता है जिसका एक से ज़्यादा क्या हो, भुजाएँ हो, साइड्स हो, ठीक है ना, जैसे हमको बोलना है स्क्वायर, इस मतलब ये रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल एक पॉलीगन भी है, क्यों, क्योंकि इसकी एक से ज़्यादा भुजाएं हैं, भुजाएं मतलब साइड्स, तो इसको कहा जाता है पॉलीगन, ठीक है। तो अब पॉली का मतलब हमको समझ में पहले से ही है कि सर पॉली मतलब एक से ज़्यादा है, तो और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, गेमी मतलब शादी, तो पॉलीगेमी मतलब है एक साथ एक से ज़्यादा वाइफ से शादी करना। मान लो अगर कोई एक इंसान है जो एक साथ एक से ज़्यादा पत्नियों से शादी कर रहा है तो उसको कहा जाएगा पॉलीगेमी, ठीक है। उस तरह से मोनोगेमी मतलब, यह हमारे भारत में जो हिंदुओं का परंपरा है कि एक साथ आप सिर्फ एक ही लड़की से या फिर पत्नी से शादी कर सकते हैं, मतलब मोनोगेमी मतलब एक लड़की से शादी करना। बाई मतलब क्या होता है, मोनो हमको पता है एक, बाई मतलब होता है टू, है कि नहीं। तो अगर आप एक साथ, देखो ध्यान दो यहाँ पे कन्फ्यूजन कैसे होता है, आगे और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो तो मैं डिटेल मतलब थोड़ा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि गेमी मतलब होता है शादी, ठीक है, और पॉलीगेमी मतलब होता है वो इंसान जो एक साथ एक से ज़्यादा लड़कियों से शादी कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब शादी हो रहा है और शादी में एक लड़का है, ये लड़का है वो क्या करता है, एक से ज़्यादा लड़कियों से शादी कर रहा है, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, इस तरह से मोर देन वन लड़कियों से अगर एक साथ शादी कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना, एक साथ अगर एक ही बेदी में, मतलब उसको क्या कहते हैं, बेदी तो कहते हैं, हाँ मतलब मंडप में, चलो ऐसे ही ले लो, हाँ मंडप में, एक ही मंडप पे अगर वो एक से ज़्यादा शादी कर रहा है, मंडप वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना, तो उसको हम कहेंगे पॉलीगेमी, वो जो काम कर रहा है वो क्या है, पॉलीगेमी कर रहा है। अगर वहीं पर वो एक लड़की से एक ही मंडप पर शादी कर रहा है तो हम उसको कहेंगे क्या, मोनोगेमी। वहीं पर अगर एक से मतलब दो से शादी कर रहा है तो बाईगेमी। इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर मैंने आपको बताया था कि गायनी मतलब क्या होता है, वोमेन, गायनी मतलब वोमेन। तो वहीं पे अगर पॉली गायनी अगर आपको वर्ड देखी, देखो कन्फ्यूज मैंने कहा था ना, कन्फ्यूज हो गए, पॉलीगेमी ध्यान दो, पॉलीगेमी और गेमी मतलब मैंने क्या बताया था, शादी। तो जो एक साथ एक से ज़्यादा लोगों से मतलब लड़कियों से शादी कर रहा है उसको हम कहेंगे पॉलीगेमी। लेकिन जो इस तरह से मतलब एक से ज़्यादा, जिसका एक से ज़्यादा फीमेल पार्टनर्स हैं उसको हम कहेंगे पॉलीगाइनी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगाइनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक साथ एक ही मंडप पे एक से ज़्यादा लड़कियों को शादी करना पॉलीगेमी, लेकिन अगर उसकी एक से ज़्यादा पत्नियाँ हैं तो हम उसको कहेंगे क्या, वो पॉलीगाइनी है, ठीक है। गाइनी मतलब मैंने कहा वोमेन, मतलब फीमेल पार्टनर एक से ज़्यादा हैं, मतलब वो एक एक करके एक से ज़्यादा ये पे छुप छुप के शादी कर लिया हो तो उसको हम कहेंगे पॉलीगाइनी। आपने वो मूवी देखा था किस किस को, किस किस से प्यार करूँ या किस किस को प्यार करूँ, जहाँ पे कपिल शर्मा की एक से ज़्यादा क्या थी, पत्नियाँ थी, तो वो क्या थी, वो क्या फीमेल पार्टनर मोर देन वन थी, तो हम कहेंगे वो पॉलीगाइनी। ओके, अगर एक ही फीमेल पार्टनर है तो हम कहेंगे मोनोगाइनी, ठीक है। उस तरह से मैंने बताया था कि जो डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होता है वोमेंस हेल्थ में उनको क्या कहा जाता है, गायनिकोलॉजिस्ट,
ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, गायनिकोलॉजिस्ट। अच्छा, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, अगर एक पुरुष मतलब एक मेल पर्सन एक से ज़्यादा महिलाओं से अगर एक ही मंडप पे शादी कर रहा है तो हम उसको कहेंगे पॉलीगेमी। अगर उसके एक से ज़्यादा फीमेल पार्टनर हैं तो हम उसको कहेंगे पॉलीगाइनी। बट अगर मान लो कभी कभार ऐसा हो गया कि एक महिला है जिसकी एक से ज़्यादा पति हैं, ठीक है, आपको कहोगे सर ये थोड़ा अजीब, अरे बेटा ऐसा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पतियाँ थी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉलीएंड्री। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, पॉलीएंड्री मतलब एक फीमेल का एक से ज़्यादा मेल पार्टनर हो, हैविंग मल्टीपल फीमेल्स। अरे यहाँ पे फीमेल नहीं होगा, यहाँ पे मेल होगा, इसको काट दो, फी को काट दो, यहाँ पे मेल हो जाएगा। तो हैविंग मल्टीपल मेल्स एज पार्टनर उनको कहा जाएगा पॉलीएंड्री। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलो, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।